हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरीश, ट्रेनिंग मैनेजर एट वेब गुरुकुल। सो आज हम देखेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर विच आर यूज टू स्टोर द वैल्यू एंड हुज वैल्यू कैन बी चेंज नंबर ऑफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम। करेक्ट। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है। सो ये जो चीज़ है, ये डेफिनेशन जो है, ये हम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज को लेके नहीं बोल रहे हैं, ये मैं आपको एक जेनरिक टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। सो समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। करेक्ट। कंसीडर करिए आपके पास में एक बॉक्स है। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपने क्या किया? एक रेड कलर का बॉल डाला। ठीक है। पहले आपने इसके अंदर एक रेड कलर का बॉल डाला, फिर आपने क्या किया, इस रेड कलर के बॉल को निकाला। ठीक है। और इस रेड वाले की जगह आपने क्या किया, ग्रीन कलर का बॉल डाला। करेक्ट। तो अब क्या हो गया, इस बॉक्स के अंदर के जो कंटेंट है सिर्फ वो चेंज हो रहे हैं। बॉक्स क्या है, वैसे का वैसा ही है। इस कंटेनर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉक्स। तो सेम इस तरीके से वेरिएबल भी वर्क करता है। जैसे हम लोग सी में लिखते हैं इंट ए इक्वल्स टू 5। करेक्ट। तो जब अपन ऐसा लिखते हैं कि इंट ए इक्वल्स टू 5, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक मेमोरी एड्रेस लेता है। सपोज मेमोरी एड्रेस है आपका 1000। ठीक है। इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को वो एक नाम दे देता है, और वो नाम क्या देता है आपका, ए। ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करता है आपकी क्या, 5। तो ये जो ए है, ये क्या हो गया आपके मेमोरी का नाम, और 5 क्या हो गया आपके मेमोरी की वैल्यू। करेक्ट। और ये हो गया आपके मेमोरी का एड्रेस। ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब प्रिंट करते हैं, जब हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ ए, तो उस केस में क्या होता है, कंपाइलर चेक करता है कि हमने कौन से मेमोरी एड्रेस को ए नाम असाइन किया हुआ। ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस टाइप से आपके आपका जो वेरिएबल है वो काम करते हैं। ओके, थैंक यू।